हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज की फैक्ट्री। कैसे हो आप सब? आशा है कि आप सब ठीक ही होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा हमारे हरियाणा के कलेसर नेशनल पार्क के बारे में। वैसे तो हरियाणा में दो नेशनल पार्क हैं, एक सुल्तानपुर नेशनल पार्क है जो कि गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और दूसरा कलेसर नेशनल पार्क है जो कि यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। फ्रेंड्स, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबा लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। कलेसर नेशनल पार्क हरियाणा के यमुनानगर ज़िले में है। इसकी सीमा तीन राज्यों से लगी हुई है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। इसका नाम, यहाँ पर एक शिव मंदिर है जिसका नाम कलेसर है, उसी के नाम से भी इसका पूरे पार्क का नाम कलेसर नेशनल पार्क रखा गया है। इसके अंदर बहुत से जानवर भी देखने को मिलते हैं, जैसे हाथी, हिरन, बंदर, कभी कभार इसमें तेंदुए भी देखे जाते हैं। इसको 8 दिसंबर 2003 को नेशनल पार्क सरकार ने घोषित कर दिया था। इसका जो एरिया है वो 11,570 एकड़ में फैला हुआ है, और इसके साथ ही एक लगता हुआ वन्य जीव अभ्यारण्य भी है जिसका नाम भी कलेसर ही है, और इसको 13 दिसंबर 1996 को अधिसूचित घोषित कर दिया गया था। यहाँ पर पहुँचने के लिए आपको वैसे तो बहुत से रास्ते मिलेंगे, मगर जो मेन रास्ता है इसका वो जो यमुनानगर से पोटा साहिब को हाईवे जाता है, वही हाईवे इस नेशनल पार्क के अंदर से होकर ही गुजरता है। यह यमुनानगर से लगभग 45 किलोमीटर, पौंटा साहिब से 15 किलोमीटर और देहरादून से 55 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ पर पहुँचने के लिए सबसे जो पास का रेलवे स्टेशन है वो यमुनानगर का ही पड़ता है। यहाँ पर पहुँचकर आपको बहुत सारी जंगल सफारी भी कराई जाती है, बहुत सी यहाँ पे सरकार ने जीपें लगाई हुई है जो यहाँ पे आपको अंदर तक घुमाकर लेकर आती है। इसका टाइम रखा हुआ है क्योंकि इसमें सिर्फ दिन के समय में ही घूमा जा सकता है, रात के समय इसको बंद कर दिया जाता है। ये शिवालय की पहाड़ियों के बिल्कुल नीचे, बिल्कुल उसकी जड़ के अंदर है, लेकिन ज़्यादा हाइट पर नहीं है ये, इसकी हाइट बहुत ही कम है, लेकिन इसके आगे जाकर ही पहाड़ियाँ शुरू होती है, इससे पहले पहाड़ी नहीं जाता, ये प्लेन एरिया के अंदर ही है। आशा करता हूँ फ्रेंड्स आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। यहाँ पर हाथी और कभी कभार बाघ जो उसके पास में है राजाजी नेशनल पार्क, वहाँ से इसमें आ जाते हैं। यदि पार्क के प्रबंधन, वास प्रबंधन को थोड़ा सा और सुधार कर दिया जाए तो बाघ और हाथी यहाँ पर साल भर रह सकते हैं। अभी इतना यहाँ पर उनको भोजन वगैरह नहीं मिलेगा, जिस कारण यहाँ पर छोटे मोटे ही जानवर रहते हैं। छोटे जानवरों के लिए यहाँ पर अच्छे खासा उनको खाने पीने के लिए सामान मिलता रहता है, जैसे पेड़ पौधे तो बहुत हैं यहाँ पर, तो हिरन वगैरह अच्छे से रह लेते हैं, सांप वगैरह बहुत रहते हैं, और यहाँ पर एक छोटा सा जो मॉनिटर लिजार्ड होता है वो भी यहाँ पर पाया जाता है। यहाँ पर ज़्यादा खतरनाक पशु नहीं पाए जाते हैं जो हमारे को नुकसान पहुँचाते हैं यहाँ पर। इसके साथ जो राजाजी नेशनल पार्क पड़ता है वहाँ पर बाघ और हाथी बहुत ज़्यादा संख्या में है, वहाँ से कभी कभार यहाँ पर सड़कों में भी आ जाते हैं, तो जहाँ पर जो ड्राइव भी करना पड़ता है हमको, गाड़ी चलाते समय भी हमको पूरा ध्यान रखना पड़ता है कि हमारे सामने कभी कोई हाथी वगैरह ना आ जाए। तो आज फ्रेंड्स सिर्फ इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना सुझाव हमें ज़रूर दें कि आपको वीडियो कैसी लगती है, हम इसके अंदर कैसे और सुधार कर सकते हैं, और अपने फ्रेंड्स को भी इसको व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।